1 फरवरी से आपका एग्जाम होने वाला है और बिहार बोर्ड को 1 महीना में रिजल्ट भी देना पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ जितना बता रहे हैं उतना कर लीजिए, समझे, आपको कोई भी नहीं रोक सकता 90+ लाने, सिर्फ जितना बोले रिवीजन जो है आपको 5 से 6 दिन बचा हुआ है, 10 दिन बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उसमें जो है आपको जितना बता रहे उतना कर लीजिए, समझे, कोई भी नहीं रोक सकता। बिहार बोर्ड के द्वारा कुछ गाइडलाइंस निकलता है कि मार्किंग स्कीम कैसे होता है, मार्क कैसे दिया जाता है, उसके बाद आपको लिखना किस तरह से, या फिर आपको रिवीजन कैसे करना है, आपको वो हम बता रहे हैं आपको इस वीडियो में, समझे। 1 भी नंबर नहीं कटेगा, सिर्फ मान लीजिए 10 दिन आप नहीं तैयारी करेगा, रिवीजन अच्छे से नहीं करेगा, किस तरह से किया जाता है आपको पता नहीं होगा, तो आपको 300 नंबर भी लाना मुश्किल हो जाता है बिहार में। और ये बता रहे हैं आपको, अगर आप फॉलो कर लीजिएगा तो 450+ लाने में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। सिर्फ और सिर्फ जो बता रहे हैं 3 से 4 पॉइंट आप ध्यान में रखेगा। अभी देखिए, मान लीजिए कि वो होता है कि BST हो गया, इकोनॉमिक्स EPS होता है, उस समय क्या होता है, आपको बोलते हैं कि सिलेबस पूरा खत्म नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए 10 चैप्टर पढ़ाया गया है, 12 चैप्टर पढ़ाया गया, सिर्फ और सिर्फ उतना के ध्यान में रखेंगे, अब से एक भी नया चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, याद रखिएगा, अभी से एक भी नया चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, ये तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। BST हो, इकोनॉमिक्स हो, अकाउंट, या कोई भी आप नया चैप्टर आप जो है टीचर पढ़ाए या नहीं पढ़ाए कोई मैटर नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ होगा तो इंपॉर्टेंट BSE वाला याद कर लेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे, नया चैप्टर तो आपको टच नहीं करना है, पहली बात ये याद रखिएगा। फिर आपको देखिए सिलेबस जो बदलता है उस पर भी ध्यान रखना है आपको, पहला बात ये हो गया कि आप एक भी नया चैप्टर को नहीं टच करिएगा, जितना है उतना का ही तैयारी करिएगा, समझे, और उसको लिख लीजिएगा। दूसरी बात याद रखिएगा क्या, कि आपको पता रहना चाहिए मार्किंग स्कीम, कितने वर्ड लिखे तो कितना मार्क्स आएगा, आपको 2 मार्क्स वाले में कितना शब्द लिखना पड़ता है, कितना पॉइंट लिखना पड़ता है, ये सब आप ध्यान में रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कम से कम 2 मार्क्स वाला में कम से कम 4 जो है ना आपको लाइन लिखिएगा, 4 लाइन में लिख दीजिएगा 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा 100%। अब पॉइंट में लिखिएगा तो कम से कम 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, अगर याद नहीं है तो 2 पॉइंट लिख दीजिएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको याद है तो कम से कम 3 पॉइंट लिखिए 2 मार्क्स वाले में। अब 5 मार्क्स वाले में तो आपको 80 से 90 शब्द लिखना पड़ता है, तो कम से कम 8 लाइन लिखना पड़ेगा आपको 5 मार्क्स में, ये याद रखिएगा। और इसका आगे तो पॉइंट भी लिखते थे कम से कम 5 पॉइंट, 6 पॉइंट नहीं लिखेगा क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा, या फिर आपको वो भी एक एक पॉइंट पे एक एक नंबर देता, तो 5 पॉइंट लिखेगा और उसी को डिटेल करिएगा, बस हो गया, कुछ नहीं, उससे ज्यादा आपको लिखना ही नहीं है, चलो बहुत लिमिटेड लिखना है आपको, सिर्फ 2 मार्क्स में होगा तो 2 पॉइंट तो ठीक है, नहीं तो 3 पॉइंट लिख देंगे, बस बात खत्म। ये हो गया 2 मार्क्स 5 मार्क्स में, ये याद रखिएगा। मार्किंग स्कीम किस तरह से होता है, कितना शब्द लिखना पड़ता है, ये याद रखिएगा। दूसरी बात, तीसरी बात आपको लिखिए, अभी से आपको बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो आप जो मान लीजिए 5 दिन 4 दिन 2 दिन 1 दिन बचा हुआ है, उसमें आप सैंपल पेपर हो या फिर मॉडल पेपर हो, उसको एक बार जरूर आप सॉल्व कर दें, थ्रू आउट हो जाइए एक बार, वो भी टाइम लिमिट के साथ। मान लीजिए अलार्म लगा लीजिए, उसको 1.5 घंटा कर लीजिए और 1.5 घंटा पूरा लिख लीजिए, फिर 1.5 घंटा करिए, उसका ऑब्जेक्टिव बना लीजिए और 1.5 घंटा सब्जेक्टिव बना लीजिए, और तब देखिए आप किस तरह, उसमें भी आप 2 पेन यूज करें जैसे एग्जाम में लिखते हैं उस तरह से लिखिएगा, आपसे समझिए, अपने आपको कंसीडर करिए कि हम एग्जाम में बैठे हुए 2 पेन का यूज करेगा, ब्लैक और ब्लू का, और उस एकदम पूरा राइटिंग बिठा के लिखेगा, और तब देखिए आपके पास टाइम बचता है कि नहीं। बहुत सारे जैसे अकाउंट में होता है कि बनाने लगते हैं तो आपको टाइम नहीं बचते रहता, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, तो आप याद रखिएगा क्या करिएगा, एक कम से कम मॉडल पेपर हो या सैंपल पेपर हो, उसको जन एक बार गो थ्रू हो जाएगा, एक बार कम से कम पूरा बना लीजिएगा, ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट हो सके, कि एग्जाम में लिखते वक्त आपको छूटे नहीं एक भी क्वेश्चन, ये याद रखिएगा। तीसरी बात, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, उसके लिए आपको टाइम पता रहना चाहिए। एग्जाम में आपको देखते रहते हो, आधा घंटा बचा, 10 मिनट बचा हुआ, यही सोचते सोचते आपका जो पूरा क्वेश्चन छूट जाते रहता है, 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही छूट जाते रहता है। तो याद रखिएगा आप कि टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात है, तो आप टाइम मैनेजमेंट के लिए कम से कम 2 से 3 सैंपल पेपर जरूर आप बना लीजिएगा, समझे, कम से कम 2 सैंपल पेपर हर एक सब्जेक्ट में बना लीजिएगा, वो भी टाइम लिमिट के साथ, 1.5 घंटा के अलार्म लगाए, अपने आप पे कहीं देखना नहीं है, बस 1.5 घंटा कुछ नहीं करना है, आपको बना लेना है। चौथी बात, आपको 10 दिन बचा हुआ है, प्लानिंग मतलब टाइम टेबल नया बनाइए आप, या देखिए टाइम टेबल नया बनाइए और उस टाइम टेबल को फॉलो करिए कि रिवीजन सिर्फ और सिर्फ हमको इतना देर करना है, जैसे अकाउंट में आपको ज्यादा टाइम देना पड़ता है, 100% देना पड़ता है, उसमें 3 घंटा दे देंगे, BST इकोनॉमिक्स इसमें 2 घंटा भी देंगे तो हो जाएगा, लेकिन जो याद किए हुए ना BSEB का रिपीटेड क्वेश्चन जो हम बताए हुए उसको लिख लीजिएगा जरूर, 100% लिख लीजिएगा, समझे। तो आप प्लानिंग जो है 10 दिन या 5 दिन बचाओ उसका अलग से प्लानिंग करिए कि किस तरह से आपको स्कोर करना है, प्लानिंग जो है ना अलग से करिए, पहले जो बनाते थे 2 घंटा पढ़ते थे 5 घंटा वो छोड़ दीजिए, रिवीजन के लिए प्लानिंग अलग से कर लीजिए, समझे। इतना पॉइंट आप याद रखिएगा, 4 पॉइंट और कुछ नहीं है, 100% आपको मार्क आ जाएगा। एक पहली बात तो आप क्या रखिएगा, कुछ नया चैप्टर नहीं पढ़ना है, कोई भी नया चैप्टर नहीं पढ़ना है, टच भी नहीं करना आपको नया चैप्टर, अब सिलेबस खत्म हुआ है नहीं हुआ है नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अब 10 दिन बचा हुआ है तो आप सिलेबस पढ़िएगा, नहीं होगा नया चैप्टर टच नहीं करना है। दूसरा, आपको मार्किंग स्कीम पता रहना चाहिए, किस तरह से लिखना है, कितना पेन यूज करना है, क्या नहीं, कितना शब्द में लिखना है, अगर परिभाषा लिखना है तो कौन कौन पेन यूज करना है, कितना आपको पॉइंट लिखना है, ये सब आपको पता रहना चाहिए, उस पर आप फोकस करिए कि आपको मार्क्स कैसे आए, उस पर आप ध्यान दीजिए,
कि हमको जो है 90 प्लस लाना है या 450 प्लस लाना है, उस पर आप ध्यान दीजिए। आप एक मिनट भी इधर उधर नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसी फोकस करके हमको सबसे ज्यादा मार्क्स लाना है, समझे। तो वो आपको मार्किंग स्कीम रहना चाहिए, आपको राइटिंग सही रहना चाहिए, इस सब पे ध्यान दीजिएगा तो आपको मार्क्स आएगा, क्योंकि एक महीना के अंदर उसको रिजल्ट भी देना पड़ता है, समझे। तो वो सिर्फ धराधर देखते रहता है, सिर्फ आपको दो तीन पॉइंट आपको पता रहेगा ना तो आप 100% आप स्कोर कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा, बहुत ही ज्यादा। चौथी बात है कि सैंपल पेपर जरूर बना लीजिएगा, या फिर ओएमआर शीट भी एक जो आपको दिया रहता है बुक, या फिर आप मॉडल पेपर के पीछे में उसको भी भर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर आते हैं आपको प्लानिंग, प्लानिंग जो बताए थे कि अलग से एक जो है ना आप बना लीजिए, टाइम टेबल अलग से बना लीजिए आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पिछले साल या फिर आप 10 दिन पहले या एक महीना कैसे पढ़ रहे, तो वो मैटर ही नहीं करता, नया सा प्लानिंग बनाए और नए तरीका से आप पढ़िए आप, समझे। हो सके 10 घंटा पहले पढ़ देते तो 12 घंटा लगा दीजिए, समझे। 2-3 घंटा ही सोइए या 4 घंटा ही सोइए, लेकिन आपको टाइम थोड़ा दिन जो है ना ज्यादा दे दीजिए, समझे। चलिए, थैंक यू सो मच, यही बताना चाहते थे। एकदम पूरा कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखिए और इन पॉइंटों को याद रखिएगा, लेकिन सैंपल पेपर जरूर बनाइएगा, उसको नहीं भूलिएगा, समझे। चलिए, थैंक यू सो मच।